आप सभी का स्वागत है WWE अनडिफिटेड गेम प्ले सीरीज के 131st एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है ना, बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में इस गेम में पांच कैटेगरी के सुपरस्टार को एक एक करके यूज करने वाले हैं। ऑब्वियसली सभी को तो यूज नहीं कर सकते, अगर यूज कर भी लेते हैं गलती से तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, जो आपको देखने में भी मजा नहीं आएगा। तो पहला जो सुपरस्टार हम यूज करने वाले हैं ब्रॉलर कैटेगरी का, एडम कोल। तो गेम को स्टार्ट करने से पहले 20K होने वाला है यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर का बटन है। और आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस गेम को डेड होने से बचा लो, क्योंकि ऑब्वियसली आप सबको पता है 2 हफ्ता हो चुका है लास्ट अपडेट आए हुए इस गेम में, और उनकी हिस्ट्री के हिसाब से इस हफ्ते नया सुपरस्टार ऐड करने वाले थे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया कि नेक्स्ट जो अपडेट है इस गेम में कब आने वाला है, जिसकी वजह से हम अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किए हैं उनको टैग करके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ट्विटर यूज करते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ट्विटर अकाउंट का लिंक है, जाओ उस ट्वीट को रीट्वीट करो, इतना रीट्वीट करो कि उनके डेवलपर यानी एनवे के पास पहुंच सके और इस गेम को डेड होने से बचा ले, क्योंकि हम इस गेम को खेलते हुए बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और हम नहीं चाहते कि इस सीरीज को हम एंड करें। समझ रहे हो आप? और साथ ही साथ ये भी रूमर आ रहा है कि WWE 2K22 मोबाइल डिवाइसों में भी आने वाला है 2022 के एंड में। उस वीडियो पे हम काम कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी वो वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत कुछ है आने वाले दिनों में, ऑब्वियसली 20K फैमिली मेंबर होने वाले हैं, तो कुछ तो स्पेशल करना बनता है। तो चलो पहला मैच भूत के अगेंस्ट, हम रियली एडम कोल को यूज करते हैं कभी कभार, जब मिशन वगैरह कंप्लीट करना होता है तो तब यूज कर लेते हैं। शुरुआत तो बहुत ही धमाकेदार हो चुका है, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। भूत के तरफ से लगातार फटकेदार मूव, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, दौड़ता हुआ लात, उसके बाद फटके और साथ साथ मार दे यार, इसके वजह से हमें गुस्सा आता है, ठीक टाइम पे बटन्स काम नहीं करते हैं। तो पहला चुम्मा शॉट भूत के तरफ से, पिछले एपिसोड में हम भूत को यूज किए थे और ज्यादातर मैचेस को हम जीते थे, लेकिन इस बार थोड़ी ना हो सकता है। हेडबट लग गया रे, लगा दे, नहीं लगा पाएगा, लग गया, दौड़ता हुआ शॉट, आराम से पकड़ लेना, बस हो गया, काम तमाम कर दिए इसका। नी कैप ब्रेन बस्टर के साथ इस राउंड को जीतते हुए हम, नहीं यार एंड में जाके कनेक्ट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। भूत ने मारा घुमावदार मूव, जिसके वजह से कमर में दर्द, और दूसरा राउंड हम हारते हुए, लेकिन वापसी करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से, ये हुई ना बात, और साथ साथ ये भी फटके ले ले। जी हाँ, एडम कोल फुल फॉर्म में आ चुके हैं, इस मैच को जीतना है बस। नहीं यार गलत बात, लग गया चुम्मा शॉट, बहुत ही शानदार तरीके से भूत देते हुए हमें चुम्मा शॉट, साथ साथ जमीन भी खोद डाला, आराम से पकड़ ले, बहुत हार्ड, इसके बाद क्या लगाएंगे, लास्ट शॉट खत्म। तो ब्रॉलर कैटेगरी के सुपरस्टार को यूज करके पहला मैच जीतते हुए एडम कोल की जय हो, मजा आया। तो दूसरे जो कैटेगरी होने वाले हैं टेक्नीशियन में हम यूज करेंगे सिंसके नाकामोरा जी को, क्योंकि इनको हम बहुत ही कम यूज करते हैं, तो कोशिश करेंगे इस मैच को जीत जाए रोमन के अगेंस्ट ये मैच। चलो फटके देते हुए, झटके भी और शटके भी लगातार बार बार, ये आपको देखने को मिलेगा सिंसके नाकामोरा की तरफ से, फिर से फटके, इस बार पकड़ेंगे हम, टेकिंग ऑफ करेंगे और नीचे ऊपर, फिर से उठाएंगे हम, इस बार नहीं मारेंगे, पीछे हट जाएंगे यार, कमान, कर सकते हैं कुछ इस तरह से, फिर से पकड़ेंगे, फिर नीचे और ऊपर मारेंगे कुछ इस तरह से, एक और दो, खत्म, टाटा गुड बाय, गया। नहीं यार गोल रानी लग गया, सिंस के नाकामुरा काफी अच्छा खेलता हुआ, इसको कंटिन्यू करना है हमें जैसे भी हो,
चलो किंग सासा। जी हाँ, स्टाइल मार के हम उठाएंगे, वन से मॉप को मो करेंगे, कुछ इस तरह से बोलेंगे आजा आजा दिखा दूं तुझे बाजा बाजा, फिर से पकड़ेंगे और नीचे और ऊपर के साथ इस पहले राउंड को एंड करेंगे आराम से। दो बार कैसे काउंटर यार, हुडू सब लगा दिया कमर में दर्द और साथ ही साथ ड्रॉपिंग है पावर बॉम्ब। अरे यार टैप किए थे हम, ठीक टाइम पे काम नहीं हुआ। अरे थोड़ा तो शर्म कर, चांस तो दे दे हमें। नहीं, इसके बाद क्या लगाएंगे? जी हाँ, आर्म ब्रेकर के साथ सिंस के नाकामुरा रेडी होता हुआ, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हम में नहीं है दम, हमारे गलती की वजह से इतना मार खा रहे हैं हम। अरे कमॉन कमॉन, कर सकते हैं हम। आराम से आराम से, क्योंकि हम में नहीं है दम, इतना काउंटर क्यों? ये ले खा ले बेटा, बहुत काउंटर यूज कर रहा था, थोड़ा उठ जा। पकड़ेंगे, आजा आजा बोलेंगे, पहली बार ये मूव कनेक्ट होगा हमारा। बहुत हार्ड पकड़ेंगे, आजा आजा बोलेंगे, ऐसे मारेंगे घुमावदार मूव, बस खत्म कर देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलो दूसरा मैच जीते हुए सिंस के नाकामुरा को यूज करके, यानी टेक्नीशियन कैटेगरी के सुपरस्टार को। तो तीसरे जो हमारे सुपरस्टार होने वाले हैं एक्रोबैट कैटेगरी का फिन बैलर। तो चलो इनका डेक चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है तो सीधे चलते हैं मैच में और इस मैच को जीत के सीरीज जीतने की कोशिश करते हैं। चलो एंट्री हो चुका है, कमॉन यार फिर से नहीं, दिमाग खराब करने वाले आ गए हैं। पहले ही हमें बहुत ज्यादा सटके और फटके लगे हैं। कमॉन यार, इतना जल्दी क्यों रेडी हो जाता है? हल्क होगन का बच्चा, दिल का बहुत ही अच्छा, मारता है कच्चा कच्चा। अबे साले, कुछ इस तरह से अभी तक एक मूव भी कनेक्ट नहीं कर पाए हम, सिर्फ मार ही खा रहे हैं। अब खाएगा तू, स्विंग ब्लेड खा ले। इस मैच को शायद हार जाएंगे हम, हल्क होगन को समझना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, लेकिन इस बार हम समझे, लेकिन समझ के भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ऊपर से धोबी पचाट, बैक बॉडी ड्रॉप, बॉडी ड्रॉप, एल्बो ड्रॉप, सब कुछ मार लो, लेकिन हमें मारो मारो मुझे मारो। चलो कूडिक रॉ मारते हैं, जी हाँ कूडिक रॉस, और साथ साथ पकड़ेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि उसने कहा मुंह में मार, लेकिन इस बार पकड़ेंगे स्विंग ब्लेड। लग गया, दौड़ता हुआ सोता हुआ लात, अब उठाएगा शायद, जी हाँ फराटेदार मूव फिन बैलर को, अब शायद पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, फिर से बोला मुंह में मार और मारा भी, इतना भी जल्दी किया है, फिर से स्विंग ब्लेड खा ले। गया गया, हम गए काम से, फिन बैलर की जय हो, रेस्पेक्ट फिन बैलर को, आपके पास कुछ नहीं था फिर भी हम अच्छा खेले। चलो ये राउंड तो जीते कम से कम, गोस फॉर द कवर, लेकिन हमारा दिमाग खराब होने वाला है क्योंकि हल्क होगन बिल्कुल हार नहीं मानेंगे जब तक हमें तोड़ेंगे नहीं। हैया करके मारे और क्या बात है यार,
इस राउंड को जीत चुके हैं। बहुत सही, मुझे पता है हम जीतने तो नहीं वाले, फिर भी कोशिश था। चलो इस मैच को हार के 2-1 से हम थोड़ा पीछे तो जरूर हो चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट जो कैटेगरी के सुपरस्टार आने वाले हैं ना, जो देखने में काफी ज्यादा हैंडसम, बॉडी है पूरा पत्थर जैसे, और उनका जो हाइट है किसी से भी मैच नहीं करता है, उनका नाम है आंड्रे द जायंट। तो चलो चौथे मैच के लिए हम रेडी हैं, तो इनको यूज करके कोशिश करेंगे यार इस सीरीज को जीत पाए, क्योंकि पहला दो मैच जो है बहुत ही अच्छी तरह से जीते हैं, लेकिन हल्क होगन जी आके सारे मेहनत पे पानी फेर दिए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। आ गए हम टोरंटो से भी आ गए हैं, आराम से आराम से, इतना भी जल्दी क्या है बेटा, बेटा रे बेटा पकड़ ले, बहुत सही मार दे, अभी लगातार कॉम्बो मारेगा। एज का बच्चा दिल का सच्चा, तू क्यों नहीं अच्छा, ये ले खा ले, फिर से पकड़ेगा क्यों, बार बार लगातार पकड़ रहा है ये एज का बच्चा दिल का सच्चा, अब छाती में झटका खा ले आराम से, पता था ये। अरे यार एक्रोबैट की जय हो, इतना भी जल्दी क्या है बेटा, ये भी खा ले, नहीं खाएगा, लगातार दो काउंटर, फिर से पकड़ने की कोशिश, जामिन खोद डाले लेकिन नहीं हुआ, अब पकड़ लेना। अरे यार अब लगा स्पीयर, अब आएगा उड़ता हुआ शॉट लगाएगा, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हम में है दम, हमने है किसी से कम, कुछ इस तरह से अब चूटी काटेंगे। अरे काट भी ले, क्या हो गया इसको, चलो ये भी सही है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम में है दम, हमने ही किसी से कम, बहुत सही, आप पकड़ के उल्टा शॉट, जिसके साथ काफी अच्छी तरह से वापसी करते हुए इस मैच में, बोले थे ना एंड्रे द जायंट है, कुछ भी हो सकता है। आराम से आराम से, दो बार स्ट्राइक, मतलब तीसरी बार भी स्ट्राइक यूज करेगा, इस बार तो हम पकड़ के ही छोड़ेंगे, उसके बाद हम जामिन खोदेंगे, आगे चल के नहीं मार पाएंगे, आगे बढ़ना चाहिए था हमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर से पकड़ा, हम सोच रहे थे पकड़ेगा लेकिन समझ नहीं पाए कैसे पकड़ेगा। चलो चलो बहुत सही बहुत सही, अब आएगा स्पीयर, पता था आ गया स्पीयर उसके तरफ से, कमान कमान कर सकते हैं अंडर द जायंट, आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, मिल बांट के कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही। चलो मल्टीपल स्ट्राइक, बहुत सही, और जिसके साथ इस सीरीज को जीतते हुए एंड्रे द जायंट के वजह से, इतनी खुशी मुझे। तो चलो आखिरी कैटेगरी का सुपरस्टार को यूज करके अंत भला तो सब भला करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे आखिरी जो कैटेगरी का सुपरस्टार होने वाला है स्नोबोर्ड के बिग ई, ये हमारे पहले स्नोबोर्ड कैटेगरी के सुपरस्टार है इस गेम में, तो उनको यूज करना तो बनता ही है। तो एंट्री कर चुके हैं अंडरटेकर के अगेंस्ट, ये मैच मतलब धोबी पछाड़ के ऊपर धोबी पछाड़ हमें लगने वाला है, कमान, और थोड़ा जल्दी करने से हो जाता, कम से कम एक मूव तो यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें लगातार फटके और झटके पड़ रहे हैं, इस बार हम नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं। चलो छे बच गए, हिट्स आर कमिंग, साथ साथ छाती में झटके, हमें लगा बहुत जोर से फटके, हम बोल रहे हैं मुंह में मार,
लेकिन नहीं मारे। फिर से छाती में झटके। बिगी आप इतने कमजोर क्यों हो इस गेम में? रियल में तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन इस गेम में आपको कोई यूज़ नहीं करता है, क्यों बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते क्योंकि अभी फ़िलहाल मार खाने में बिजी हैं। मुझे पता है आप सब हमसे ज़्यादा अच्छा यूज़ करना आता होगा बिगी को, क्योंकि हमें तो चांस ही नहीं दे रहे हैं अंडरटेकर। एक ही बार में इतना सारा डैमेज। चलो बूटी से के लगा ही देते हैं जाते जाते। बिग एंडिंग के साथ थोड़ा बहुत एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दो मूव अच्छी तरह से कनेक्ट होते हुए। बहुत सही, खत्म। कैसे इतना दूर से कनेक्ट हो जाता है यार इसका मूव? अगर हम इस मूव को यूज़ करते हैं तो पूरा चुम्मा देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड देख के एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आ चुके हो 20K करवाना चाहते हो जल्दी से जल्दी तो सिर्फ आपको लोगो बटन को दबाना है। और दूसरे वीडियोज़ को नहीं देखे जरूर से जाके देख लेना ताकि आप दूसरे गेम के बारे में भी जान सको, क्लिक जरूर करना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक प्रेजेंटेशन फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।